अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन द ऑनलाइन बेंचर्स बाय एग्जाम्पल। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स सेशन में। नमस्कार, जय हिंद बच्चों। एक बार सभी लोग फटाफट आज के सेशन को ज्वाइन कीजिए ताकि मैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को आपके साथ स्टार्ट कर सकूँ, शेयर कर सकूँ। सभी लोग क्विकली सेशन को ज्वाइन कीजिए जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके, और आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, और आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे से सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। चलिए, तो जितने लोग लाइव हैं प्लीज मुझे एक बार रिप्लाई करें ताकि आज के इस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के सेशन को मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, स्टार्ट कर सकूँ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? हाँ जी, और जितने लोग लाइव आ चुके हैं एक बार फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्तों तक ये सेशन आसानी से पहुंच सके। तो सभी बच्चों फटाफट आज के इस सेशन को आप लोग लाइक और शेयर कर दो जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, चलिए। कासिफ सर जो हैं बेटा वो घर गए हैं, ईद है तो वो अपने घर गए हैं और अब वहीं से क्लास लेंगे आप लोगों के लिए। तो फ्राइडे के बाद मतलब अगले मंडे से सारी क्लासेस जो करंट अफेयर्स की होंगी वो सर ही लेंगे। बस आप लोग मुझे 2 दिन बर्दाश्त कर लो, आज और कल, ठीक है ना? मैं नहीं आऊंगा, टेंशन मत लो उस चीज के लिए। मैं तो वैसे भी बहुत कम आता हूं, काफी कम, बट फिर भी अगर आपको तकलीफ है तो मैं नहीं आऊंगा। बस आज और कल 2 दिन आप लोग मैनेज कर लो, क्योंकि ये सेशन खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आया हूं, और कोई बात नहीं है। ठीक है शैलेंद्र पांडे जी, तो सीख लो, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही दूंगा और कोशिश करूंगा अच्छा ही पढ़ाऊं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले जो लोग एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप एनडीए नेवी की तैयारी कर रहे हैं प्लीज आप लोग एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर को सब्सक्राइब करें, और जो लोग CDS, CAPF, APCAT और EPFO की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग ऑनलाइन बेंचर्स बाय एग्जाम्पल को सब्सक्राइब करें। सभी लोग प्लीज डू इट ऑन द पॉजिटिव बेसिस। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जो परिवर्तन 2.0 है इसमें 70+ कोर्सेज आपको एक साथ ऑफर की जा रही है। इन कोर्सेज को अगर आपको अवेल करना है, सब्सक्राइब करना है, तो आज ही आप लोग एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है ना? और इसके ये जो ऑफर है 70+ कोर्सेज को सब्सक्राइब करने के लिए, इसका जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 15 मई तक। इन कोर्सेज के बारे में इंक्वायर करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9873111552 पे, और व्हाट्सएप कर सकते हो आप 8448116245 पे, ठीक है ना? चलिए, तो मोस्ट ऑफ द लोग मेरे ख्याल से आ चुके हैं सेशन में, और बेटा जो लोग आ चुके हो एक बार सेशन को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक? जितने लोग आ चुके हैं प्लीज एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? ताकि सभी बच्चों तक ये चीजें पहुंच सके। तो और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए, और आज इस 15 मई शनिवार शाम 7 बजे एक सरप्राइज गिफ्ट है आप सबों के लिए, जिसके लिए आपको एग्जामपुर के YT चैनल को देखना है शाम 7 बजे 15 मई को, ठीक है? ध्यान रखिएगा, क्लियर है? रेडी ऑल सब लोग? थैंक यू अशोक शर्मा जी, थैंक यू न्यूटन्स नेवरवुड, वेलकम टू द क्लास। अभय सिंह जी, वेलकम टू द क्लास। चलिए, आज का सबसे पहला न्यूज, आज की सबसे पहली खबर जो है वो संबंधित है विश्व खाद्य पुरस्कार से, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड फूड प्राइस, ठीक है ना? अब इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, वर्ल्ड फूड प्राइस के बारे में, कि आखिर इस बार का जो वर्ल्ड फूड प्राइज है इससे किसको नवाजा गया है, किसको सराहा गया है, ठीक है ना? आपको ध्यान रखना है शकुंतला हरक सिंह, थिलस्टेड ऑफ इंडियन डिसेंट विंस द वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। भारतीय मूल की जो शकुंतला हरक सिंह है उनको नवाजा गया है 2021 के वर्ल्ड फूड प्राइज से। आपको ध्यान रखना है भारतीय मूल के एक वैश्विक पोषण विशेषज्ञ, अ ग्लोबल न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट ऑफ इंडियन डिसेंट,
has won the prestigious 2021 World Food Prize for her groundbreaking research in developing the holistic and the न्यूट्रिशन सेंसिटिव अप्रोच टू अ एक्वाकल्चर एंड फूड सिस्टम। आपको ध्यान रखना है कि भारतीय मूल की जो वैश्विक पोषण विशेषज्ञ है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलसिड, इन्हें जलीय कृषि कहते हैं जब आप वाटर के अंदर डिफरेंट फूड आइटम्स को क्या करते हो, डेवलप करते हो। और आपको बता दूं मैं कि जो वर्ल्ड का फ्यूचर फूड है, जो आने वाला फ्यूचर फूड है वर्ल्ड का, उसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, एल्गी है। एल्गी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली चीज है। तो ये जो एक्वेटिक आप कह सकते हो एक्वा कल्चर है, उसके अंदर जो फूड सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए और न्यूट्रिशियस फूड को डेवलप करने के लिए आपको ध्यान रखना है 2021 का जो विश्व खाद्य पुरस्कार है, जो वर्ल्ड फूड प्राइज है, उससे नवाजा गया है शकुंतला हरक सिंह थिलसिड को। क्लियर है ये पॉइंट सब लोगों को, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग शकुंतला हरक सिंह थिलसिड के बारे में जाने, ठीक है ना, तो ये त्रिनाड और टोबैगो के मूल निवासी है, ठीक है ना। सी इज बेसिकली अ नेटिव ऑफ त्रिनाड एंड टोबैगो एंड अ सिटीजन ऑफ डेनमार्क हु वाज बोर्न इन 1949 इन द कैरेबियन आइलैंड ऑफ त्रिनाड एंड टोबैगो स्मॉल विलेज ऑफ रिफॉर्म। आपको ध्यान रखना है इनके पास नागरिकता डेनमार्क की है। इनका मूल रूप से जन्म जो है त्रिनाड और टोबैगो में हुआ था 1949 में, ठीक है ना, जो कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करती है जिसका नाम क्या है, रिफॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है सी इज अ सिटीजन ऑफ डेनमार्क बट सी वॉज बोर्न इन त्रिनाड एंड टोबैगो इन द कैरेबियन आइलैंड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सी वॉज बोर्न इन त्रिनाड एंड टोबैगोज रिफॉर्म विलेज एंड नाउ सी इज अ सिटीजन ऑफ डेनमार्क। आपको ध्यान रखना है उनके परिवार सहित अधिकांश निवासी कृषि सेक्टर में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और आपको ध्यान रखना है कि ये लोग बिलोंग करते हैं किस चीज के, भारत के वंशज के, यानी कि ये लोग पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं। एंड मोस्ट ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स आर बेसिकली एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर लेबर। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर हम लोग वर्ल्ड फूड प्राइज के ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करें, तो ये जो वर्ल्ड फूड प्राइज है, दिस रिकॉग्नाइजेस द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव एडवांस्ड ह्यूमन डेवलपमेंट बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। बेसिकली हम कह सकते हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाली, अच्छे किस्म वाली जो खाद्य हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उसकी उपलब्धता वैश्विक स्तर पर कराने के लिए जो भी इंडिविजुअल एफर्ट्स लगाते हैं उनको हम वर्ल्ड फूड प्राइज देते हैं। तो विश्व खाद्य पुरस्कार उन व्यक्तियों की उपलब्धियों को पहचानता है जिन्होंने दुनिया भर में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और उसके उपलब्धता के लिए सुधार करके मानव विकास को उन्नत किया है। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा इंप्रूव किया गया है क्वांटिटी क्वालिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड को वर्ल्ड में, इस इंपॉर्टेंट वर्क के लिए सराहा जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज के द्वारा। ये जो वर्ल्ड फूड प्राइज है इसको सबसे पहले कंसीव किया गया था, इसके जो फादर है वो कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, जो कि मैक्सिको के एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। और जो नॉर्मन बोरलॉग है इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है वर्ल्ड लेवल पे। जैसे हमारे भारत में जो हरित क्रांति के पिता है या जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, उसी प्रकार से वर्ल्ड लेवल पे जो मैक्सिको के एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलॉग, इनको 1970 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना, फॉर हिज वर्क इन द ग्लोबल एग्रीकल्चर। वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पे एग्रीकल्चर फील्ड के डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चरल वर्क के लिए 1970 में नवाजा गया था, या आप कह सकते 1970 में नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग का, जिनको की कहा जाता है कि ही गेव द आइडिया ऑफ विच वन वर्ल्ड फूड प्राइज, जिसको आपको बहुत अच्छे से आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ल्ड फूड प्राइज है इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1986 में, और सबसे पहले जो वर्ल्ड फूड प्राइज है ये दिया गया था किसको, आप बताओगे, एम एस स्वामीनाथन को, ठीक है ना। ही वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ द वर्ल्ड फूड प्राइज इन द विच ईयर 1987, प्लीज डू रिमेंबर। एंड एम एस स्वामीनाथन इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के पिता के रूप में हम किनको जानते हैं, तो एम एस स्वामीनाथन को। इस बात को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, सभी पॉइंट्स क्लियर है आप लोगों के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। आपको ध्यान रखना है कि इसमें कैश अवार्ड, जो वर्ल्ड फूड प्राइज है इसमें जो कैश अवार्ड दी जाती है
वो 2,50,000 डॉलर्स की, ठीक है ना, $2,50,000 जो है नगद दिया जाता है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो एक स्कल्पचर भी गिफ्ट की जाती है जिसको डिवाइन किया गया है नोटेड आस्टिन एंड डिजाइनर सॉल बैस के द्वारा, ठीक है ना। तो सॉल बैस एक प्रसिद्ध मूर्तिकार है, उनके द्वारा जो डिजाइन किया गया एक प्लेक है, एक स्कल्पचर है, वो भी रेसिपिएंट को क्या किया जाता है, गिफ्ट किया जाता है, कब, जब उनको सम्मानित किया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज से। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज की जो सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो सबसे दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर है, वो क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ICAI। ICAI क्या है, दिस इज द यू कैन से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। व्हाट इज ICAI? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है जो यूनियन कैबिनेट है हमारी, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उन्होंने स्वीकृति दी है, अप्रूवल दी है फॉर साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड द कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी। जो कतर फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी है और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के बीच में एक समझौते पर ज्ञापन, एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किए गए। ये क्या कहता है, ये जो MOU है ये एनहेंस करेगा कॉपरेशन बिटवीन द दीज टू इंस्टीट्यूट टू वर्क टूगेदर इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द अकाउंटिंग प्रोफेशन एंड ऑन्टरप्रेन्योरशिप बेस्ड इन द कतर। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो लोग अकाउंटिंग पेशे से जुड़े हुए हैं, जो लोग आप कह सकते हो कि भाई लिपिक कह सकते, जो अकाउंटिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके जो उद्यमी क्षमता है, उसका जो ऑन्टरप्रेन्योरशिप स्किल है, उसको बेटर करने के लिए इस पर्टिकुलर MOU को साइन किया गया है, किसके बीच में, ICAI और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कतर फाइनेंशियल सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में, इसको आपको ध्यान रखना है। आपको बता दूं मैं कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ये एक स्टैचुअरी बॉडी है, यानी कि एक वैधानिक संस्थान है, जिसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था 1949 में इन ऑर्डर टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन इंडिया। तो जो लोग अपने करियर के रूप में, अपने पेशे के रूप में, व्यवसाय के रूप में, प्रोफेशन के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंसी को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए ये जो ICAI है, ये एक नोडल एजेंसी है जो उनको क्या देती है, सर्टिफिकेट्स देती है, जिसको 1949 में पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा क्या किया गया था, तो आप बताओगे, स्टैब्लिश किया गया था। ये जो कतर फाइनेंशियल सेंट्रल अथॉरिटी है, ये भी एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 2005 में, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ QFC, कतर फाइनेंशियल, किस चीज को, तो आप बताओगे, सेंटर्स को। ये एक वर्ल्ड क्लास ऑनशोर फाइनेंशियल बिजनेस सेंटर है स्टेट ऑफ कतर में। तो आपको ध्यान रखना है, जो कतर वित्तीय केंद्र प्राधिकरण है, इसे 2005 के कानून संख्या 7 के अनुसार स्थापित किया गया था एक स्वतंत्र कानूनी इकाई के रूप में, ठीक है ना, जो कि राज्य में वित्तीय और व्यावसायिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ है और लोगों को इसके अंदर जोड़ने का क्या करती है, काम करती है। एम आई क्लियर टू यू ऑल? तो अगर आपसे पूछा जाए कि किन दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बीच में अकाउंटेंसी प्रोफेशन और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को डेवलप करने के लिए MOU साइन किया गया है, तो आप बताओगे ICAI, और साथ ही साथ आप बताओगे कतर फाइनेंशियल सर्विसेज, कतर फाइनेंशियल सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑल क्लियर, ऑल डन, वेरी गुड, थैंक यू शैलेंद्र फॉर योर थम्स अप, थैंक यू। चलिए, इंटरनेशनल नर्सेस डे फॉर 2020, आपको ध्यान रखना है जो 12 मई है, जो 12 मई है, उसे सेलिब्रेट किया जाता है किसके रूप में, अंतरराष्ट्रीय नर्स डे, यानी कि परिचारिका दिवस के रूप में, ठीक है ना, इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में या अंतरराष्ट्रीय परिचारिका दिवस के रूप में, जिसको आपको भूलना नहीं है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो इंटरनेशनल नर्सेज एंड द मिडवाइफ्स डे है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 मई को, 12th मई इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल नर्स एंड मिडवाइफ्स डे, अंतरराष्ट्रीय परिचारिका और मिडवाइफ्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये जो सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे है, इसकी जो शुरुआत है वो 1965 में हुई थी बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। ये ध्यान रखना है कि दिस सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल डे वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1965 बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। ये ध्यान रखना है, जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज है, इसके द्वारा 1965 में इसे स्टार्ट किया गया था, एंड दिस इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ
द फेमस नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये जो नोबेल प्रोफेशन है नर्सिंग का, परिचारिका का, इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। और ये जो 12 मई है ये इनका जन्म दिवस है, जिसको हम नर्स डे के रूप में ग्लोबली क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इसको ध्यान रखना है। ये इंग्लिश नर्स थी, सोशल रिफॉर्मर थी और साथ ही साथ एक स्टैटिस्टिशियन थी, यानी कि सांख्यिकीविद थी। और क्रीमियन वॉर के समय में सी गेन्ड द फेम व्हाइल सर्विंग एज अ मैनेजर एंड ट्रेनर ऑफ नर्सेज। और जब क्रीमियन वॉर हो रहा था उस समय वो इस नर्सिंग फील्ड को या नर्सिंग प्रोफेशन को लीड कर रही थी, महिलाओं को ट्रेन कर रही थी कि हाउ टू हेल्प द वुंडेड पीपल, कि कैसे घायल व्यक्तियों को हमें सेवा करनी है, ठीक है। एंड सी हैज बीन द पिलर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, उनको आधुनिक परिचारिका का और मॉडर्न नर्सिंग सिस्टम का मेन पिलर या बैकबोन माना जाता है। सी ब्रॉट अ रेप्यूटेशन फॉर नर्सिंग एंड बिकेम एन आइकन इन द विक्टोरियन कल्चर। आपको बता दूं मैं, वह नर्सिंग के लिए एक प्रतिष्ठा लेकर के आई और विक्टोरियन संस्कृति में वो एक, आप कह सकते हो, आइकन बन के उभरी, एक मिसाल बन के उभरी, जिन्होंने इस नर्सिंग नोबेल प्रोफेशन को पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या किया, प्रमोट किया। आप देखो इंडिया में आज भी सबसे ज्यादा जो ऑनेस्टली नर्सिंग प्रोफेशन को परफॉर्म करती हैं या नर्सिंग प्रोफेशन को बहुत हद तक जीती हैं, वो क्या आपको ज्यादातर केरलाइट मिलेंगी। और आप अगर इंग्लैंड जैसे कंट्री में चले जाओ जहां पे लंदन है, या फिर गल्फ कंट्रीज में जाओ, तो इंडिया के केरल से या तमिलनाडु से आपको बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी, वुमेन मिलेंगी, जो इस नर्सिंग प्रोफेशन को क्या कर रही हैं, वहां पे फॉलो कर रही हैं। कहां पे, तो आपको ध्यान रखना है इन द यूरोपियन कंट्रीज एज वेल एज इन द गल्फ कंट्रीज। इस साल का जो थीम रखा गया इंटरनेशनल नर्स डे का, दैट इज नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। क्या बात है, इसको ध्यान रखिएगा। इस वर्ष का जो थीम रखा गया है, दैट इज विच वन, नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। नर्स क्या है, फ्यूचर हेल्थ केयर के लिए एक आवाज और विजन को लीड करने वाली हैं, इसको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। आर यू ऑल एंजॉइंग द क्लास, एक बार सभी लोग मुझे रिप्लाई करें, क्या क्लास अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है क्लास में, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, एक बार प्लीज बताइएगा जरूर आप लोग। अभी कासिफ सर छुट्टी पे हैं, तो मंडे ऑनवर्ड्स आपकी सारी क्लासेस होंगी, ठीक है ना। जो भी क्लासेस कासिफ सर ले रहे हैं वो सभी क्लासेस मंडे ऑनवर्ड्स होंगी, ठीक है ना, तो उसको प्लीज ध्यान रखिएगा। तो पैनिक मत कीजिए, सभी सेशन आपको दिया जाएगा, आप केवल सभी सेशंस को अटेंड कीजिए, दैट्स इट। चलिए, एपिडेमोलॉजिस्ट समरजीत जैना हैज पास्ड अवे। ये जो समरजीत जैना है ये इसलिए फेमस थे इंडिया में क्योंकि इन्होंने जो सेक्स वर्कर्स हैं, जो आप कह सो देह व्यापार में काम करने वाली लड़कियां हैं और जो ब्रॉथल्स में काम करती है, उनके राइट्स के लिए, उनके लिए काफी ज्यादा इन्होंने वॉइस को रेज किया था, इसलिए इंडिया में इनको बहुत अधिक, आप ध्यान रखिएगा, जाना जाता है, ठीक है ना। अ लीडर ऑफ द राइट्स मूवमेंट फॉर सेक्स वर्कर्स, भारत में यौन कर्मियों के लिए यौन कर्मियों के अधिकारों के लिए एक आंदोलनकारी नेता के रूप में जिसने इस भारत के अंदर एक अपना योगदान दिया, उस व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई है, ठीक है ना। अ लीडर ऑफ द मूवमेंट्स फॉर सेक्स वर्कर्स इन इंडिया एंड अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट नोन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रिवेंशन ऑफ HIV इन द कंट्री, समरजीत जैना हैज पास्ड अवे ड्यू टू COVID-19 रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन इन कोलकाता। यानी कि इस कोविड पेंडेमिक ने, इस कोविड महामारी ने एक और शख्सियत को, एक और व्यक्ति को हमसे छीन लिया है, जिनका नाम क्या है, तो समरजीत जैना है। और ये जो समरजीत जैना है, इन्होंने हमेशा अपने पूरे लाइफ टाइम में जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके अधिकारों के लिए क्या है, लड़ाई लड़ी है। और इस COVID-19 पेंडेमिक के कारण कलकत्ता में उनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई, इसको ध्यान रखना है। एन एपिडेमोलॉजिस्ट ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द नेशनल टास्क फोर्स ऑन COVID-19। एक महामारीविद थे, मतलब इनको सबसे अधिक नॉलेज था आप कैसे तो एपिडेमिक के ऊपर, जो महामारियां फैलती है इसके बारे में इनको गहन ज्ञान था, इनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी। और वो COVID-19 पर जो राष्ट्रीय कार्यबल बने थे, कलेक्टिवाइजिंग द सेक्स वर्कर्स ऑफ सोनागाछी, ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द NACOD स्टीयरिंग कमेटी। जो समरजीत जैना है, इन्होंने कलकत्ता का एक जगह है सोनागाछी, जो कि एक बहुत बड़ा हब है सेक्स वर्कर्स का, यानी कि जो लोग फ्लैश ट्रेड में काम करते हैं, तो वहां पे इन्होंने यौन कर्मियों को, सेक्स वर्कर्स को इकट्ठा करके भारत में पहले अधिकार आधारित HIV हस्तक्षेप कार्यक्रमों का नेतृत्व किया था। वह NACO के संचालन समिति के सदस्य, NACO क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, आपको ध्यान रखना है
इसके भी आप स्टीयरिंग कमिटी के सदस्य रह चुके थे वो, डॉक्टर समीरजीत जैना, हु ऑल्सो हेल्प द चिल्ड्रेन ऑफ सेक्स वर्कर्स अ चांस टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन थ्रू फुटबॉल एंड वॉज द फाउंडर ऑफ द दरबार महिला समन्वय समिति. डॉक्टर समरजीत जाना, जिन्होंने फुटबॉल के माध्यम से यौन कर्मियों के बच्चों को भेदभाव से लड़ने का मौका दिया, और दरबार महिला समिति के भी वो क्या थे, संस्थापक थे. यानी कि जो सेक्स वर्कर्स जिनके पास बच्चे थे उनको समाज में आप कह सकते हो हीनियस तरीके से देखा ना जाए, हीन तरीके से देखा ना जाए, या उनके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो जाए, इसलिए उनके अधिकार के लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी. ठीक है ना, ये फाउंडर थे दरबार स्पोर्ट्स अकेडमी के. ठीक है ना, ये जो समिति है दरबार महिला समन्वय समिति, ये कलेक्टिव ऑफ 65,000 सेक्स वर्कर्स है वेस्ट बंगाल में. ये 65,000 जो यौन कर्मी है उनका एक समूह है, जिसे 1992 में स्टैब्लिश किया गया था सोनागाछी में, जो कि लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया है कोलकाता का. आपको ध्यान रखना है कि सोनागाछी कलकत्ता का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, वहीं पर ये फंक्शनल थे, अपने एक्टिविटीज को कर रहे थे. और इन्होंने 1992 में एक दरबार महिला समन्वय समिति बनाई थी इन यौन कर्मियों की सुरक्षा के लिए. इसको आपको ध्यान रखना है, इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा. एंड ही हैज बीन वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सेक्स वर्कर्स. वो महिलाओं के अधिकार और जो सेक्स वर्कर्स के राइट्स है उसके लड़ते रहे हैं. ठीक है ना, इसको ध्यान रखना. साथ ही साथ जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है और HIV एड्स प्रिवेंशन है, उसके लिए भी उन्होंने बहुत हद तक काम किया है. निशांत कुमार सिंह, मैंने पहले ही कहा है कि कासिफ सर अभी छुट्टी पे हैं, मंडे से वो रेगुलर क्लास लेंगे, उनकी सारी क्लासेस मंडे से होंगी. आप लोग प्लीज अभी 2 दिन कोऑपरेट कीजिए, आज और कल, और इस सेशन को ध्यान से देखिए. मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जितना बेहतर हो सके मैं पढ़ाऊं. अगर फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज. चलिए, पैंगोलिंस. ये जो पैंगोलिंस है ये एक स्पेसीज है जिसके प्रिवेंशन के लिए 1972 में कुछ कानून बनाए गए थे, लेकिन आज भी ये एक ऐसा एक्वेटिक आप कह सकते हो स्पेसीज है जिसकी सबसे ज्यादा स्मगलिंग होती है, जिसकी सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है, जिसकी सबसे अधिक आप कह सकते हो तस्करी होती है. इंडियन रिसर्चर्स हैव सिक्वेंस्ड 624 पैंगोलिंस केस, देयर बाय कैटेगराइजिंग द इंडियन एंड चाइनीज पैंगोलिंस. भारतीय शोधकर्ताओं ने 624 पैंगोलिन तराजू का अनुक्रम किया है, जिससे कि भारतीय और चीनी पैंगोलिन को हम क्या कर सकें, क्लासिफाई कर सकें. ये जो फिगर में आपको दिख रहा है ये क्या है, पैंगोलिंस है. इसको आप प्लीज ध्यान रखिएगा, जो पैंगोलिंस है इसको लिस्ट किया गया है शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, एंड इट इज कंटिन्यूड टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल. आपको बता दूं जो पैंगोलिंस है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध होने के बावजूद दुनिया का सबसे कुख्यात स्तनपायी जीव है, जिसकी क्या होती है, तस्करी की जाती है. इसको आप बहुत अच्छे से क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा. ठीक है ना, प्लीज डू रिमेंबर दैट. द प्राइमरी डिमांड फॉर इट्स स्केल्स इन द मेकिंग ऑफ ट्रेडिशनल स्टेशन मेडिसिन हैज लेड टू एन एस्टिमेटेड इलीगल ट्रेड वर्थ $2.5 बिलियन पर ईयर. आपको देखो ये जो पैंगोलिंस है इसका पारंपरिक रूप से जो पूर्वी एशियाई देश है, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है, उसको यूज किया जाता है इन पैंगोलिंस का वहां के मेडिसिन को बनाने में, जिस कारण से हर साल लगभग $2.5 अरब का अवैध व्यापार होता है. यानी कि ये जो पैंगोलिंस है जिसको ईस्ट एशिया में यूज किया जाता है मेडिसिनल पर्पस के लिए, और इसके इसी मेडिसिनल यूज के कारण लगभग पूरे साल में $2.5 बिलियन का इलीगल ट्रेड होता है. किस चीज का, तो आप बताओगे पैंगोलिंस का. आपको क्या ये पॉइंट क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा. एंड टू एनफोर्स द एप्रोप्रिएट नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज एंड टू ट्रैक द डिक्लाइंस ऑफ द स्पीसीज, रिसर्चर्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता हैव नाउ डेवलप्ड टूल्स टू टेल अपार्ट द स्केल्स ऑफ इंडियन पैंगोलिंस एंड चाइनीज पैंगोलिंस. यानी कि उपयुक्त राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए, और ये जो पैंगोलिंस प्रजाति की गिरावट हो रही है और उनकी जो तस्करी हो रही है उसके उसको ट्रैक करने के लिए, जो भारतीय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है कोलकाता में, इनके शोधकर्ताओं ने जो भारतीय पैंगोलिंस है और जो चीनी पैंगोलिंस है इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक स्केल बनाया है. पैंगोलिंस क्या है, एक्वेटिक मैमल है, ये एक जलीय जीव है. इसको रखा गया है इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में, और इसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में इसलिए है क्योंकि इसको लार्जर स्केल पे यूज किया जाता है मेडिसिन को बनाने के लिए. इसको ध्यान रखना है आपको. चलिए अब हम लोग बात करते हैं एनिमल कॉरिडोर्स की, जिसको हम बोलते हैं
जानवर गलियारा काजीरंगा, जो काजीरंगा है ये आपको ध्यान रखना है, एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये एक नेशनल पार्क है। कहाँ पे? तो आपको ध्यान रखना है असम में, जो कि फेमस है किस चीज के लिए, तो आप सबको पता है कि वन हॉर्न राइनो के लिए। आपको पता है कि जो एक सिंघा गेंडा है, एक सिंघा गेंडा है ठीक है ना, इसके लिए प्रसिद्ध है आपका कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। दीज टू डिस्ट्रिक्ट शेयर द लार्जेस्ट, एक सेकेंड, जो अथॉरिटीज हैं असम के गोलाघाट और नगांव डिस्ट्रिक्ट में, हैव बिगन प्रोबिंग केसेस ऑफ क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट लैंड, डिगिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑन एटलीस्ट थ्री एनिमल कॉरिडोर विद इन द इको सेंसिटिव जोन ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि असम के गोलाघाट और नागांव जिलों में अधिकारियों ने जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है, इसको पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में कम से कम 3 पशु गलियारों पर वन भूमि की खुदाई, निर्माण और निर्माण गतिविधियों की मंजूरी के मामले की जांच शुरू की है। मतलब जो असम अथॉरिटी है काजीरंगा नेशनल पार्क की, खासकर गोलाघाट और नगांव डिस्ट्रिक्ट के एरिया में, वहां पे जो अचानक से ये फॉरेस्ट क्लियरेंस का काम शुरू हुआ है, वहां पे डिगिंग का काम शुरू हो रहा है, वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू हुई है, इस कारण से इन्होंने कंसर्न जताया है कि ये यहाँ के जो जानवर है उसके लिए क्षति पहुंचा सकती है। ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं कौन कौन सा, तो आपको ध्यान रखना है गोलाघाट और नगांव ठीक है ना, इसमें 1300 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो टाइगर रिजर्व के 9 आइडेंटिफाइड एनिमल कॉरिडोर्स के बीच में आती है। इसको आपको ध्यान रखना है। और ये जो कॉरिडोर्स हैं ये बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, क्रूशियल है राइनोस के लिए, एलिफेंट्स के लिए, टाइगर्स के लिए, डियर के लिए और अदर एनिमल्स दैट स्केप अ फ्लडेड काजीरंगा ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ्स फॉर द सेफ्टी ऑफ द हिल्स ऑफ कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट बियॉन्ड द हाईवे स्कर्टिंग। यानी कि ये जो कॉरिडोर, ये जो गलियारा है, इसका प्रयोग किया जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क में रहने वाले जो एक सिंघे गेंडे हैं, जो एलिफेंट्स हैं, जो टाइगर्स हैं, डियर्स हैं। और इस कॉरिडोर पे ज्यादातर जानवर तब आते हैं जब समर के महीने में, गर्मियों के महीने में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका वाटर लेवल बढ़ जाता है, और जब ये काजीरंगा नेशनल पार्क फ्लडेड हो जाती है तो फ्लड के समय में ये एनिमल अपने सर्वाइवर के लिए इन नगांव और गोलागांव डिस्ट्रिक्ट के जो कॉरिडोर हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर वहां पे भी आप कंस्ट्रक्शन का काम करोगे तो ये जो जानवर अपने आप को फ्रीली मोबाइल रखते हैं, यहाँ पे अपने अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, उसकी ये जो राइट्स है वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उन्होंने कंसर्न जताया है कि आपने कैसे क्लियरेंसेस दे दी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के लिए, डिगिंग पर्पस के लिए, तो उसको लेकर के कंसर्न बताया गया है ठीक है ना। ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये लोकेटेड है आपको गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और नगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ असम। यानी कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये 3 डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, असम के 3 जिलों की सीमाओं को टच करती है, गोलाघाट को, कार्बी आंगलोंग को और नगांव डिस्ट्रिक्ट को ठीक है ना। दिस सेंचुरी विच होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरस इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको ध्यान रखना है ये जो अभ्यारण्य है काजीरंगा ये दुनिया के एक महानतम अभ्यारण्यों में से एक आता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक सिंघे गेंडे हैं, जो आप कह सकते हो जो वन हॉर्न राइनोसेरस है, तो वर्ल्ड का 2/3, विश्व का 2/3 जो वन हॉर्न राइनो है, जो वन हॉर्न राइनो है वो कहाँ पे रहती है, तो आपको ध्यान रखना है हैव देयर हैबिटेट, इनका जो स्थान है, निवास स्थल है वो कहाँ पर है, तो आप बताओगे काजीरंगा में। ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो विश्व के 2/3 एक सिंघे गेंडे का हैबिटेट है यहाँ पे, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम आते हैं न्यूज नंबर 7 में, आयरन डोम ऑफ इजराइल, ये क्यों चर्चाओं में है। आपको पता है कि हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन ने हवाई हमले किए और यह सब इजरायली पुलिस द्वारा दशमिक गेट पर एक अवरोधक स्थापित करने के साथ शुरू हुआ और बाद में इजरायली पुलिस द्वारा अल अक्सा मस्जिद के तूफान के कारण तनाव बढ़ गया। तो इजराइल और पैलेस्टीन वेर एंगेज इन द एयर स्ट्राइक्स एंड दिस ऑल बिगेन विद द इजरायली पुलिस इंस्टॉलिंग अ बैरिकेड एट द डमास्कस गेट एंड लेटर द टेंशन एस्केलेटेड ड्यू टू द स्टॉर्मिंग ऑफ अल कासा मॉस्क बाय द इजरायली पुलिस। इसको ध्यान रखना है। आपको बता दूं मैं कि जो आयरन डोम है इसको एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में यूज किया जाता है, ये मिसाइल्स और रॉकेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज की जाती है, ये एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको यूज किया जाता है प्रतिरोध करने, काउंटर करने के लिए रॉकेट्स को, मोर्टार्स को, एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर्स को, आर्टिलरी को और अनमैंड व्हीकल्स को। इस आयरन पिलर को डिप्लॉय किया गया था 2011 में और जो राफेल एडवांस सिस्टम है उसके हिसाब से जो आयरन डोम है सो फार मेड
मोर देन 2000 इंटरसेप्शन, यानी कि जैमर के रूप में काम करती है ये, एंड इट्स सक्सेस रेट इज मोर देन 90%, इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए अब आज का पहला प्रश्न ये रहा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल नर्सेज एंड द मिडवाइव्स डे। पहला स्टेटमेंट है कि जो इंटरनेशनल नर्सेज एंड मिडवाइव्स डे है इसको सेलिब्रेट किया जाता है 12th मई को एवरी ईयर, एंड दिस डे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फेमस फ्लोरेंस नाइटिंगेल। पहले का आंसर क्या होगा बताइए फटाफट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको और पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन या कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। प्लीज गो फॉर द रिप्लाई एवरीबडी। इंटरनेशनल नर्सेज एंड मिडवाइव्स डे सेलिब्रेट होती है 12th मई को एवरी ईयर, दिस डे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फेमस फ्लोरेंस नाइटिंगेल, कौन सा स्टेटमेंट सही है? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड फूड प्राइज, जो विश्व खाद्य पुरस्कार है उससे संबंधित इन कथनों को देखिए। दिस प्राइज इज ओपन टू एवरी इंडिविजुअल विदाउट रिगार्ड टू द रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी और पॉलिटिकल बिलीफ्स। यह जो पुरस्कार है ये सभी व्यक्तियों के लिए खुली है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी राष्ट्रीयता का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी में बिलीव करता हो या किसी भी रंग का हो। दिस प्राइज वॉज क्रिएटेड इन 86 एंड वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1987 विथ MS स्वामीनाथन ऑफ इंडिया बींग द फर्स्ट रेसिपियंट। इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में की गई और इसके पहले विजेता जो थे वो MS स्वामीनाथन थे, और डॉक्टर शकुंतला हरसिंह थिस्टन, अ ग्लोबल न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ऑफ इंडियन डिसेंट, हैज वोन द 2021 वर्ल्ड फूड प्राइज। इसमें से कौन सा कथन सही है? तीनों सही हैं, केवल दो सही हैं। ये बताइए आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है यहां पे वो बिल्कुल करेक्ट है, ये पूछा गया है। प्लीज गो फॉर इट। हेलो एवरीवन, आर यू लिसनिंग टू मी? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? प्लीज रिप्लाई कीजिए इस क्वेश्चन के आंसर को। तो क्या बताओगे आप? ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। हुआ समरजीत जाना एन एपिडेमियोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, हिंदी फिल्म आर्टिस्ट या वेटरन म्यूजिशियन? समरजीत जाना, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से थे ये पूछा गया। ही बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? समरजीत जाना, प्लीज गो फॉर द आंसर। आप क्या बताओगे? एपिडेमियोलॉजिस्ट थे ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI के बारे में आप समझिए इस चीज को। ICAI हैज एन एक्टिव चैप्टर इन दोहा कतर विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1981। कतर दोहा चैप्टर इज द ओल्डेस्ट अमॉन्ग द 36 ओवरसीज चैप्टर ऑफ द ICAI। कौन सा स्टेटमेंट आपको लग रहा है यहां पर सही है? ICAI हैज एन एक्टिव चैप्टर इन दोहा कतर विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1981। कतर दोहा चैप्टर इज द ओल्डेस्ट अमॉन्ग द 36 ओवरसीज चैप्टर ऑफ द ICAI। बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पेंगुलिंस, इट इज लिस्टेड इन द शेड्यूल वन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है यहां पे। इट इज लिस्टेड इन द शेड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल। कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वन लाइनर्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेस, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है सुपेस, जिसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, इसको ध्यान रखना है आपको। ध्यान रखना है अल्फ्रेड बी एहो हैज ऑन द AM ट्यूरिंग अवार्ड 2020 फॉर हिज रिसर्च एंड इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट बुक्स ऑन फंडामेंटल एल्गोरिथम्स एंड द थ्योरी अंडरलाइंग प्रोग्राम लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन। आपको ध्यान रखना है
एल्फ्रेड बी अहो ने एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2020 को मौलिक एल्गोरिथम और सिद्धांत पर प्रोग्रामिंग कार्यान्वयन के लिए अपने शोध और प्रभावशाली पाठ्य पुस्तकों के लिए क्या किया है, जीता है। इसका नाम क्या है, अल्फ्रेड बी अहो। तो दो वन लाइनर ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है और अल्फ्रेड बी अहो जो है उन्होंने उन्हें एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2020 से नवाजा गया है फॉर रिसर्च एंड इन्फ्लुएंशियल टेक्स्ट बुक ऑन फंडामेंटल एल्गोरिथम्स के लिए। डिजिटल पेमेंट बैंकों को हामी भरने के लिए जो आरबीआई है उन्होंने पेमेंट बैंकों के लिए दिन के शेष का अधिकतम अंत 1,00,000 रुपए से 2,00,000 रुपए कर दिया है। इन अ बिड टू गिव फिलिप टू द डिजिटल पेमेंट बैंकिंग द आरबीआई हैज हाइक द मैक्सिमम एंड ऑफ डे बैलेंस फॉर पेमेंट बैंक टू रुपीज 2,00,000 फ्रॉम 1,00,000। जो पेमेंट बैंक सिस्टम है उसमें प्रत्येक दिन आपको ध्यान रखना है 1,00,000 रुपए की लिमिट थी जिसको इन्होंने बढ़ा करके 2,00,000 कर दिया ताकि पेमेंट्स बैंक की जो यूसेज है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जा सके। इंडिया हैज होस्टेड अ मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स वर्चुअली। भारत के द्वारा जो ब्रिक्स की वित्त मंत्री हैं और जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं उसके बैठक की क्या है, मेजबानी की। तो भारत वो देश है जिसने मेजबानी की है ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के वर्चुअल मीटिंग को, इसको आपको ध्यान रखना है। गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी तरुण बजाज एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी एंड ब्रॉट इन बैंगलोर मेट्रो चीफ अजय सेठ एज द न्यू सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। भारत सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को राजस्व सचिव नियुक्त किया है और बैंगलोर मेट्रो के जो प्रमुख अजय सेठ हैं उनको आर्थिक मामलों के विभाग के नई सचिव के रूप में लाया। एक नया अपॉइंटमेंट है, अजय सेठ को बनाया गया है नया सचिव, न्यू सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज लॉन्च्ड जेके पब्लिक वर्क्स ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम बिसाइड्स टू एप्स हमारी सड़क एंड तमीर तारिकी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जेके पब्लिक वर्क्स ऑनलाइन प्रबंधन निगरानी और लेखा प्रणाली को लॉन्च किया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर लोक निर्माण विभाग ने दो मोबाइल एप्स लॉन्च की है, हमारी सड़क और साथ ही साथ तमेर जारा की, ये दो चीजें ध्यान रखना है, इसको लॉन्च किया गया है। नॉर्थ कोरिया वुड नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द अपकमिंग टोक्यो ओलंपिक्स ड्यू टू कंसर्न्स ओवर कोविड-19। कोविड-19 की चिंताओं के कारण ध्यान रखना है उत्तर कोरिया आगामी टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेगा। तो अगर ये पूछा जाए किस देश ने अभी होने वाले टोक्यो समर ओलंपिक से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है तो आप क्या बताओगे, उत्तर कोरिया ने, इसको ध्यान रखना है। अली राजा रिज़वी विल बी द न्यू सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड जतेंद्र नाथ स्वैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। अली राजा रिज़वी सार्वजनिक उद्यम विभाग के नए सचिव होंगे और जतेंद्र नाथ स्वैन को मत्स्य विभाग का नया सचिव क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। द सेंटर हैज नेम्ड एस रमन एज सीएमडी ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एस रमन को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो सिडबी है, जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में क्या किया है, नामांकित किया है। अली रजा रिज़वी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है। अली रजा रिज़वी को बनाया गया है क्या चीज, तो आप बताओगे सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का, पब्लिक वर्क्स एंटरप्राइजेस का। और जो एस रमनन है, जो एस रमन है, इनको बनाया गया है सीएमडी ऑफ सिडबी के रूप में। इंडियन स्प्रिंटर भारतीय धाविका दूती चंद हैज बीन चोजन टू बी ऑनर्ड विद छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड and she will be awarded at the inaugural edition of the award. भारतीय धाविका दूती चंद को छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना गया है और उन्हें पुरस्कारों के उद्घाटन संस्करण में सम्मानित किया जाएगा। क्या नाम है, दूती चंद। बच्चों एक बार फिर जाने से पहले बता दूं, मैं कुछ परिवर्तन 2.0 में 70+ कोर्सेज आपको ऑफर की जा रही है एक सब्सक्रिप्शन में। इन सभी कोर्सेज को अवेल करने के लिए आप लोग आज ही एग्जाम्पल ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए और ये सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो 15 मई तक, इसको ध्यान रखना है।
और इन कोर्सेज के बारे में या सब्सक्रिप्शन के बारे में जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9873111552 पे या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8448116245 पे। और इस सैटरडे 15th ऑफ मई को शाम 7 बजे एक बिगेस्ट सरप्राइज के लिए आप ऑन एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें एयरफोर्स, नेवी और एनडीए की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सरप्राइज है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं कल शाम 8 बजे, रात 8 बजे फिर से एक नए धमाकेदार करंट अफेयर्स सेशन के लिए मेरे साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और इसी तरीके से इस चैनल को देखते रहिए, YT सेशंस को देखते रहिए, और अपने प्रिपरेशन को एक कटिंग एज दीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, बाय बाय।